नमस्कार, मैं हूँ प्रिया। आज है 18 अक्टूबर। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। खाड़ी देश के कामगारों ने समझौता प्रस्ताव को ठुकराया। उत्तर प्रदेश और बिहार के करीब 4 दर्जन मजदूरों की स्वदेश वापसी मझधार में नजर आ रही है। दरअसल संयुक्त अरब अमीरात की एक कंपनी में फंसे इन मजदूरों ने ना तो उनका पासपोर्ट दिया गया है और ना ही उनकी बकाया मजदूरी ही भुगतान की जा रही है। इसी बीच कंपनी के मालिक ने मजदूरों के सामने एक प्रस्ताव रखा है, लेकिन यह प्रस्ताव मजदूरों को स्वीकार नहीं है। सारे मजदूर एग्रीमेंट के अनुसार भुगतान की मांग पर अड़े हैं। भुगतान से पहले कोई भी मजदूर काम पर वापस जाने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश की नई इलेक्ट्रिक कार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर एक और नई इलेक्ट्रिक कार का आगमन हो गया है। यह नई चमचमाती इको फ्रेंडली कार हाल ही में लॉन्च हुई हुंडई कंपनी की इलेक्ट्रिक एसयूवी कोना है, जो अभी फिलहाल सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए ही मंगवाई गई है। आपको बता दें, बिहार सचिवालय में कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद कंपनी से सीधे गाड़ी को एक अन्य मार्ग भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह दूसरी इलेक्ट्रिकल कार होगी। करोड़पति गौतम झा ने किए ये खुलासे। मधुबनी बिहार के गौतम कुमार झा ने शो के 1 करोड़ की धनराशि जीतने के बाद काफी ज्यादा खुश है। उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि अपने पहले अटेम्प्ट में ही हॉट सीट पर बैठना और 1 करोड़ जीतना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। इस जीत का सारा श्रेय मैं अपनी पत्नी को देता हूं, क्योंकि उसने ही मुझे इस शो तक पहुंचाया है। इसके आगे उन्होंने यह भी कहा कि जीत के बाद भी उनमें कोई बदलाव नहीं आया है, वो जैसे पहले थे आगे भी वैसे ही रहेंगे। बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा में होंगे 6 अनिवार्य विषय। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड ने मध्यमा परीक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव कर परीक्षा में 6 अनिवार्य विषयों की परीक्षा लेने का निर्देश जारी किया है। बोर्ड ने सोशल एजुकेशन सब्जेक्ट्स को हटा दिया है, जिसके पश्चात 2020 की 10वीं की परीक्षा में 3 संस्कृत, 1 हिंदी, 1 अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान की परीक्षा ली जाएगी। आपको बता दें, विषय सूची में परिवर्तन का निर्णय बोर्ड के पाठ्यक्रम उप समिति की बैठक में लिया गया है। समस्तीपुर के रेलखंडों पर ट्रेन की गति 100 की स्पीड पर। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, समस्तीपुर मंडल के सभी रेलखंडों पर अगले साल मार्च तक 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर सारी ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। ट्रेनों की रफ्तार बढ़ने से अभी से कम समय में यात्री अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। ट्रेनों का सही परिचालन के लिए गिट्टी गिराने और मशीन से पैकिंग कराने का काम शुरू कर दिया जाएगा। सभी रूट पर 100 की रफ्तार में ट्रेन चलाने पर परिचालन व्यवस्था एक समान हो जाएगी और यात्रियों का समय भी काफी बचेगा। नीतीश की अध्यक्षता पर अमित शाह ने लगाया मुहर। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कौन होगा एनडीए का चेहरा, इस बात पर बड़ी बहस हुई थी। दोनों पार्टियां लगातार अलग अलग बयानबाजी भी कर रही थी, मगर अब गृहमंत्री और भाजपा नेता अमित शाह के बयान से यह साफ हो गया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में अगर किसी के नेतृत्व पर राजग चुनाव लड़ेगी तो वो नीतीश कुमार ही होंगे। आपको बता दें, अमित शाह ने यह घोषणा एक न्यूज चैनल से हुई खास बातचीत में कही। पटना समेत अन्य जिलों के 9 कॉलेजों के इंफ्रास्ट्रक्चर में होंगे बदलाव। पटना के एएन और बीएन कॉलेजों सहित 7 सरकारी कॉलेजों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर राज्य सरकार ने 26 करोड़ से अधिक बजट को मंजूरी दे दी है। पटना के एएन कॉलेज में परीक्षा भवन के प्रथम तल के भवन निर्माण को 3.23 करोड़ व मानविकी संकाय भवन निर्माण के लिए 2.99 करोड़, वही बीएन कॉलेज में फखरुद्दीन छात्रावास के निर्माण के लिए 1.61 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। एटीएम से चलान या राजस्व जमा करने में दर होगी एक समान। राज्य सरकार ने एटीएम के माध्यम से राजस्व या चलान के रुपए सीधे सरकार खाते में जमा कराने की सुविधा बहाल करने की मुहिम तेज कर दी है। सभी सरकारी और निजी बैंकों के प्रमुख अधिकारियों के साथ वित्त विभाग के अधिकारियों की बैठक मुख्य सचिवालय स्थित सभागार में हुई, जिसमें सभी बैंकों से कहा गया है कि वे सरकारी खजाने या खाते में सीधा पैसा जमा करने की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से ई रिसिप्ट पोर्टल गेटवे से जल्द अपने आप को जोड़े। बिहार में फिर से विपक्ष को करेंगे क्लीन बोल्ड सुशील मोदी। बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है कि आगामी उपचुनाव में विपक्षी महागठबंधन इतना बिखरा है कि सभी दल आपस में ही लड़ रहे हैं। महागठबंधन के भाग्य विधाताओं की चुनावी सभा में कुर्सियां चल रही हैं। इनके भीतर स्वार्थों का टकराव अब लोगों को दिख रहा है। मतदान से पहले ही महागठबंधन की हवा फूस हो चुकी है, जबकि दूसरी तरफ एनडीए पूरी तरह एकजुट है और एनडीए एक बार फिर से विपक्ष को क्लीन बोल्ड करने में कामयाब रहेगी। राजद को सदस्यता अभियान से मिले करोड़ों रुपए। राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार समेत समूचे देश में सदस्यता अभियान की मुहिम चलाई थी। इस अभियान के तहत लगभग 80 लाख कार्यकर्ता राजद से जुड़े, जिसे कि 5 रुपए प्रति सदस्य के सदस्यता शुल्क से राजद के खाते में 4.25 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। ज्ञात हो, राजद अभी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन इसके बावजूद 2019 लोकसभा चुनाव में राजद का खाता भी नहीं खुल पाया था। राजद समेत सभी विपक्षी पार्टियां शून्य पर ही आउट हो गई थी, बस कांग्रेस अपना खाता खोलने में कामयाब रही थी।
25 अक्टूबर से सभी राजकर्मियों को वेतन भुगतान करवाने के लिए दिए गए निर्देश। राजकर्मियों को अक्टूबर का वेतन देने के लिए CFMS के तहत 18 अक्टूबर से ऑनलाइन वेतन बिल प्रस्तुत कर पदाधिकारियों को 25 अक्टूबर से वेतन भुगतान शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी प्राइवेट ITI 24 अक्टूबर तक नामांकन का दे ब्यौरा। सरकार को लगातार नामांकन प्रक्रिया के लिए मिल रही शिकायतों के मद्देनजर अब सरकार नामांकन में गड़बड़ी करने वाले प्राइवेट ITI सख्ती से पेश आने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सभी प्राइवेट इंस्टीट्यूट को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने यहाँ नामांकन कराए गए छात्रों का ब्यौरा जमा करें। इसके अलावा प्राइवेट संस्थान से जुड़ी अहम जानकारियों को भी मुहैया करवाएं। 24 अक्टूबर तक ब्यौरा नहीं भेजने वालों की मान्यता समाप्त की जा सकती है। प्रैक्टिकल लैब को लेकर CBSE हुई सख्त। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हजारों स्कूलों में प्रैक्टिकल लैब मौजूद नहीं है। ऐसे में उन छात्रों को परेशानी होगी जहां के बच्चों को अब तक बिना प्रैक्टिकल एग्जाम में उपस्थित हुए ही अंक मिल जाते थे। बोर्ड परीक्षा में प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर यह शिकायत प्रदेश भर के सैकड़ों शिक्षक CBSE से करते आ रहे हैं। शिक्षकों ने बोर्ड को बताया कि ज्यादातर स्कूल उन छात्रों की जगह दूसरे छात्रों को लाकर जबरदस्ती प्रैक्टिकल एग्जाम करवाते हैं और नंबर दे देते हैं। नीतीश कुमार ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ। समस्तीपुर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शिवाजीनगर प्रखंड पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रचार प्रसार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की तारीफों के पुल को बांधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और हम बिहार के विकास के लिए अग्रसर हैं। मोदी हर स्तर पर देश को मजबूत रखने के लिए सही और सटीक है। ज्ञात हो मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी और लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान मौजूद थे। SSP संघ DM ने किया शहर का निरीक्षण। छठ से पहले पटना के DM कुमार रवि और SSP गरिमा मलिक गंगा पाटलिपुत्र घाट का निरीक्षण करने पहुंचे। जनार्दन घाट पर 6 फीट बालू आ गई है, मगर शिवाजी घाट से लेकर JP सेतु तक घाटों की स्थिति बेहतर है। इसके अलावा DM ने अधिकारियों के साथ JP सेतु से संत माइकल स्कूल घाट का भी जायजा लिया। वहीं खराब पड़े घाटों को अधिकारियों को ठीक करने का आदेश दिया है। अब सिर्फ चेक से कर सकेंगे जमीनों की रजिस्ट्री का भुगतान। जमीन खरीदने वालों के लिए जरूरी सूचना। अब जमीन की रजिस्ट्रेशन का भुगतान सिर्फ चेक के माध्यम से करना हुआ अनिवार्य। चेक की अनिवार्यता के साथ साथ जमीन के दस्तावेजों में आधार कार्ड और पैन नंबर की उपलब्धता भी अनिवार्य हो गई है। 20,000 या उससे ऊपर की जमीन बेचने पर चेक से भुगतान लेना होगा। अगर खरीदार ने चेक से भुगतान नहीं किया तो जमीन बेचने वाले को आयकर टैक्स भरना होगा। आयकर विभाग के नए नियम के तहत अब नकद भुगतान राशि पर भी देना होगा टैक्स। जमीन की रजिस्ट्री का ऑनलाइन वेरिफिकेशन हुआ अनिवार्य। जमीनों की रजिस्ट्री पर बिहार सरकार ने नए नियम लागू किए हैं। लागू हुए नए नियमों ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। नए नियम के तहत बेचने वालों के नाम जमीन की जमाबंदी को अनिवार्य कर दिया गया है। नए नियम का असर प्रतिदिन होने वाली रजिस्ट्रेशन की संख्या पर पड़ा है। पहले आमतौर पर प्रतिदिन औसतन 5,000 रजिस्ट्रेशन होती थी, लेकिन नियम लागू होने के पश्चात यह संख्या 500 के करीब हो गई है, जिसका असर राज्य के राजस्व पर भी देखने को मिलेगा। बिहार के दूसरे एम्स का निर्माण होगा दरभंगा में। सुपर स्पेशलिस्ट भवन का निरीक्षण करने पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया है बिहार राज्य का दूसरा एम्स परिसर दरभंगा में बनाया जाएगा। इसके निर्माण से दरभंगा के साथ साथ बाकी जिलों और नेपाल से आए लोगों का बेहतर उपचार किया जा सकेगा। DMC के प्रचार और अधीक्षक ने कहा है कि एम्स के लिए दरभंगा में पर्याप्त जमीन है। त्योहारों में ट्रेन हुई फुल, फ्लाइट टिकट के दाम छू रहे आसमान। दिवाली और छठ के मद्देनजर दूरदराज रहने वाले सभी लोग घर आने की तैयारियों में जुट गए हैं। ऐसे में सभी ट्रेनों की सीट्स लगभग फुल हो चुकी हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत दिल्ली से बिहार आने वाले लोगों को हो रही है। भीड़ को देखते हुए विमान कंपनियों ने भी अपना किराया बढ़ा दिया है। आपको बता दें सभी विमानों के किराए में 30,000 से भी ज्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। होमगार्ड जवानों को पहली तारीख को मिल जाएगी वेतन। सभी होमगार्ड जवानों के लिए खुशखबरी। बिहार के होमगार्ड को वेतन का इंतजार अब नहीं करना पड़ेगा। अब उनके खाते में हर महीने की पहली तारीख को पैसा पहुंच जाएगा। आपको बता दें राज्य में लगभग 55,000 होमगार्ड जवान मौजूद है, लेकिन इनमें से महज 33,000 को ही नियमित ड्यूटी मिल पाती है, मगर अब ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा जारी आदेश के अनुसार होमगार्ड जवानों का नवम्बर से EPF भी कटने लगेगा। एम्स पटना में निकाली गई रिक्तियां। पटना एम्स ने हड्डी विभाग में जूनियर रेजिडेंट के रिक्त पदों को भरने के लिए अभ्यर्थी 22 अक्टूबर तक आवेदन भर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवारों की अधिकतम आयु इन पदों के लिए 33 वर्ष होगी। वहीं आरक्षित वर्ग को आयु सीमा की प्रणाली में छूट दी जाएगी। वहीं शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से MBBS डिग्री होना अनिवार्य रहेगा। सौरभ गांगुली 24 को करेंगे चयनकर्ताओं से धोनी के बारे में बात। BCCI के नवनियुक्त अध्यक्ष सौरभ गांगुली 24 अक्टूबर को महेंद्र सिंह धोनी के क्रिकेट भविष्य को लेकर चयनकर्ताओं से चर्चा करने वाले हैं। ज्ञात हो गांगुली से जब धोनी के भविष्य को लेकर सवाल पूछे गए तो उन्होंने बताया कि 24 अक्टूबर को वो चयनकर्ताओं से इस बारे में बात करेंगे, उसके बाद ही इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे।
आज के मौसम का हाल। सुपौल, छपरा, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, फरबिसगंज, भागलपुर में बादल छाए होंगे। वहीं औरंगाबाद, गया, नालंदा, पटना, राजगीर में अंशतः बादल छाए रहेंगे और गर्जना के साथ बारिश हो सकती है। गौतम झा ने 1 करोड़ के बाद किया गेम क्विट। मधुबनी बिहार के गौतम कुमार झा ने केबीसी 11 में 1 करोड़ रुपए जीत लिया है। पत्नी के कहने पर केबीसी 11 के लिए उनकी यह कोशिश रंग लाई। हालांकि गौतम 7 करोड़ रुपए नहीं जीत पाए। आपको बता दें कि गौतम झा ने 1 करोड़ के सवाल का जवाब बिना किसी लाइफलाइन की मदद से दिया था। वहीं 7 करोड़ के सवाल के सही जवाब की श्योरिटी नहीं होने के कारण उन्होंने गेम को आखिरी पड़ाव पर क्विट कर दिया। बोरिंग खराब होने से बाल्टी लेकर सड़क पर उतरे लोग। लगातार 3 दिनों से बोरिंग खराब रहने की वजह से लोगों ने कुर्जी दिघा सड़क की गेट नंबर 66 के पास जाम लगा दिया है, जिससे रोड पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। आपको बता दें खराब बोरिंग के कारण 20,000 की आबादी पीने के पानी के लिए तरस गई थी। खबर मिलते ही मौके पर वार्ड 22B के पार्षद सुचित्रा सिंह, नीलेश मुखिया, दिघा थाने की पुलिस और सदर SDO अनुपम कुमारी पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर जाम खत्म करवाया। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।